शॉर्ट सर्किट के चलते चलती पिकअप में लगी आग, घास जलकर हुई राख। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते हुआ हादसा। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड क्षेत्र के चाली ग्राम पंचायत के कड़ेचावास गांव में आज एक घास से भरी हुई चलती पिकअप में विद्युत विभाग की लाइन नीचे होने की वजह से शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। पिकअप में घास भरकर कड़ेचावास निवासी बाबूलाल सुतार के यहाँ ले जा रही थी। घर से मात्र 100 फीट की दूरी पर ही अचानक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। ऐसे में आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हुए, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं पिकअप में भरी हुई घास जलकर राख हो गई। ऐसे में पिकअप भी जल सकती थी, लेकिन ग्रामीणों की सूझबूझ के चलते उसे बचाया जा सका। ग्रामीणों ने इसको लेकर विद्युत विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 5 वर्षों से शिकायत करने के बावजूद भी विभाग के अनदेखी के चलते हादसा हुआ। अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि लाइनमैन को इस संबंध में बताया तो उसके द्वारा यह कहा जाता है कि लाइन काट कर फेंक देवे। ग्रामीणों ने बताया कि अगर विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता है तो ग्रामीण इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसकी जिम्मेदारी विभाग की रहेगी। आज यहाँ कड़ेचावास में ग्राम पंचायत छाली में एक मेटाडोर में चारा भर के ला रहे थे, उस समय बिजली की लाइन बिल्कुल नजदीक होने से उसमें आग लग गई। ग्रामीणों ने चारा जलकर जल गया, पर जैसे तैसे ही उस मेटाडोर को बचाया। हम ग्राम वालों ने इसकी शिकायत 4-5 साल से कर रहे हैं और पूरी लाइन नीचे है, हर समय यहाँ दुर्घटना होने की खतरा रहता है। बार बार विद्युत विभाग को अवगत कराने के बाद में भी आज तक ये लाइन सही नहीं हुई है। कृपया ऊपरे सभी अधिकारियों से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान कराया जावे ताकि आगे दुर्घटना से और बच। मैं कितनी बार लैंडमैन को कहा मैं अब ये लैंड सही कराओ, तो उसने बोला कि मैं जेई नहीं सर को सबको कहा तो वो कहकर काट के फेंक देना। तो मैं कम से कम 3 साल हो गए ऐसे लटक रही है ये। हमारे सबको खतरा है, यहाँ पे कोई चले सबको ये खतरा है। अभी लैंड पड़ी, अभी गाड़ी जल गई है और घास भी जल गया, उसे नीचे उसकी लैंड खराब हो रही है।